दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नया तरीका निकाला है। सरकार ने सड़कों पर बंदूकों को उतार दिया है ताकि दिल्ली वाले चैन की सांस ले सके। जी हां, सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एंटी स्मॉग गन का सहारा ले रही है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब हवा में घुले जहरीले कणों को खत्म करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मॉग गन का सहारा ले रही है, जिसका ट्रायल रन आज पूर्वी दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले इलाके आनंद विहार ISBT पर किया गया। अगर यहां प्रदूषण का स्तर कम पाया गया तो इस स्मॉग गन का सहारा DTU और दूसरे प्रदूषित क्षेत्रों में भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हजारों लीटर पानी के टैंक से जुड़ा स्मॉग गन हवा में पानी की बेहद महीन बौछार करेगा। एंटी स्मॉग गन से निकली बौछारें काफी ऊपर तक जाती हैं। इससे हवा में घुलने वाले कण कुछ कम होंगे और नमी के साथ गिरकर नीचे बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से पहले इस तकनीक का इस्तेमाल चीन ने बीजिंग में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए किया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।